प्रभु भक्ति और पुरुषार्थ के प्रतीक संत श्री गुरु रविदास जी के चरणों में बहुत बहुत नमन। मंच पे उपस्थित पिछले दो महीने से गुरु जी के मंदिर तोड़े जाने के बाद से लगातार दिन रात भूखे प्यासे धूप में गर्मी में बारिश में पूरे देश का भ्रमण करके लोगों को इकट्ठा करने का प्रयास कर रहे और गुरु जी के मंदिर को दोबारा सम्मान के साथ उस स्थान पे गुरु जी के मंदिर को दोबारा उस अपने उनके स्थान पे लाने के लिए सेवा में लगे हुए जिनके सानिध्य में ये आंदोलन चल रहा है, ऐसे श्री महाराज श्री वाघमारे जी, महाराज श्री हितकारी जी और श्री केसी रवि जी गुरु जी के सानिध्य में जिनके आंदोलन में आप लोगों के सानिध्य में चल रहा है, मैं चाहूंगा एक बार तालियों से उनको नमन करके उनका अभिनंदन करें। समझे, एक महीने से भी ऊपर हो गया है और जहां ये मंदिर टूटा है वहीं पे सरकार का भी घर है, केंद्र सरकार का घर भी इसी राज्य में है। सारे मंत्री, कैबिनेट के मंत्री, राज्य मंत्री, एमपी, यहां तक कि प्रधानमंत्री जी भी यही रहते हैं, इसी राज्य में रहते हैं और उन्हीं के जहां राज्य में जहां वो रहते हैं वहीं पे करोड़ों लोगों के आदर्श और उनके पूजनीय गुरुवर का मंदिर तोड़ा गया और डेढ़ महीने के समय से भी ऊपर हो गया है और उसके बाद भी अभी तक सबसे जो निराशा की बात है, सबसे दुर्भाग्यपूर्ण जो बात है वो ये है कि किसी भी सांसद, किसी भी केंद्रीय मंत्री या किसी भी प्रवक्ता, राष्ट्रीय प्रवक्ता, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई बयान तक नहीं आया है। पब्लिक के अंदर, न्यूज के अंदर, मीडिया के अंदर कहीं बयान तक नहीं आया है कि वो मंदिर बनाने के लिए तैयार है या मंदिर बना रहे हैं। और जिस तरह से इतने लंबे समय से पूरे देश के अंदर इस बात को लेकर आक्रोश है, देश में, पूरे देश में इस बात को लेकर गुस्सा है, इन भावनाओं का भी कदर न करना, लोगों की आस्थाओं का भी कदर करना ना करना, ये दिखाता है कि ये सरकार कितनी असंवेदनशील है। मैं सिर्फ यही प्रार्थना करूंगा आज के मौके पर कि जिस तरह सदियों से हमें हमारा हक बिना लड़े नहीं मिला है, बिना संघर्ष के नहीं मिला है, बिना मैदान में आए नहीं मिला है, शायद इस बार भी बिना संघर्ष के, बिना खून पसीना बहाए सड़क पर शांति पे तरीके से बिना आंदोलन किए हमें ये अपना गुरु जी का मंदिर दोबारा नहीं मिलेगा। और इसमें मैं अपनी सरकार की ओर से और अपनी ओर से, दोनों ओर से, सामाजिक नाते से भी और राजनीतिक नाते से भी, मैं आप यहाँ बैठे हुए सभी गुरु भक्तों को और पूरी देश और दुनिया में सुन रहे गुरु भक्तों को ये कहना चाहता हूँ कि आम आदमी पार्टी, हमारे माननीय मुख्यमंत्री, हमारा एक एक विधायक, एक एक कार्यकर्ता गुरु जी के इस काम में आपके साथ है और आपके साथ कंधे से कंधा मिला के चलने के लिए तैयार है। बहुत बहुत शुक्रिया, जय गुरु जी। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।